कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कल एक बयान दिया था और उसमें ये कहा था कि राजद कहीं न कहीं बीजेपी के साथ जाने वाली है। इसको लेकर के हमारे साथ राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा जी हैं, उनसे बात करेंगे हम। सर, भक्त चरण दास का बयान आया है, किस तरह देखिए? देखिए, कोई आदमी अगर होशो हवास ये बयान देता दे तो ये तो समझ से पड़े, ये फुहर है, दुर्भाग्यपूर्ण है पर हास्यास्पद भी है, जिसको जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं। ड्राइंग रूम में बैठ करके कुछ भी बयान दे देते हैं, मनोहर कहानियां टाइप बयान। आपको कुछ समझ में भी है कि ये गठबंधन कैसे बना? सुख और दुख में कांग्रेस के साथ रहे हैं, दुख में ज्यादा सुख में कम। जाकर के सोनिया जी से पूछिए, जिनके लिए लालू जी सबसे पहले खड़े हो गए जब कांग्रेस के लोग नहीं थे। जाके पूछिए अपने उन विधायकों से जो बेबसी में कहते थे कि एक तेजस्वी जी का कार्यक्रम दे दो। जाके पूछिए इतिहास के उन पन्नों से कि जब आपके मुख्यमंत्री थे किसी में हिम्मत नहीं थी, लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा या यूके कि रक्त यात्रा को रोकने की, किसने रोका? अपनी सत्ता को दांव पे लगा करके लालू जी ने रोका। इसलिए भाजपा और संघ से हम ड्राइंग रूम में बैठ करके नहीं लड़ते हैं, जमीन पे लड़ते हैं। हम उनके एक एक चीज का वैचारिक राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ खड़े होते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सदन से लेकर सड़क तक। मैं समझता हूँ कि इसलिए राहुल गांधी जी ने भी कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ संघ के लोग बैठे हुए हैं। भक्त चरण दास जी, आईना सामने रखिए, तब तबसीरा कीजिए। शायद कांग्रेस के प्रभारी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये गठबंधन, इसका मर्म और मिजाज अलग था, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। यानी निश्चित तौर पर भक्त चरण दास जिस तरह का बयान दिए हैं उसको लेकर के मनोज झा ने पलटवार किया और कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी संघ के लोग बैठे हैं, कुल मिलाकर उन्होंने भक्त चरण दास को संघी करार दिया है। कुंदन कुमार, ईटीवी भारत, पटना।